तो लगभग एक साल के बाद कल फाइनली 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना रिटर्न आ रहे मंडे नाइट रॉ में उनकी WWE में 20 ईयर एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कल के मंडे नाइट रॉ में हमें क्या क्या देखने मिल सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो जैसा आप लोग को याद होगा कि लास्ट वीक कार्मेला नंबर 1 कंटेंडर बन गई थी बियांका ब्लेयर के रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए, इसलिए इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी ताकि इन दोनों का मनी इन द बैंक पेपरव्यू में मैच ऑफिशियल हो सके और इन दोनों का ब्रॉल भी फैंस को देखने मिल सकता है। और क्योंकि बेकी लिंच आस्का से हार गई थी वुमेन्स क्वालिफाइंग मैच में, तो बेकी WWE ऑफिशियल से फिर से बोल सकती हैं उन्हें एक और मौका देने के लिए। वैसे वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में कल भी कोई सुपरस्टार क्वालिफाई करेंगी, क्योंकि अभी तक इस मैच में 6 सुपरस्टार्स क्वालिफाई की हैं और 2 फीमेल सुपरस्टार्स की जगह और बची है, इसलिए कल मंडे नाइट रॉ से एक और सुपरस्टार क्वालिफाई हो सकती हैं वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में। और अगर बेकी लिंच को चांस मिला तो वो इस बार क्वालिफाई हो जाएंगी इस साल के लैडर मैच के लिए। और अभी 3 हफ्तों से बॉबी लैशली और ऑस्टिन थ्योरी का फ्यूड चल रहा है, क्योंकि जब लैशली ने ऑस्टिन थ्योरी से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच मांगा तो थ्योरी ने मना कर दिया था, इसलिए लैशली ने गॉन्टलेट मैच जीतकर ये चैंपियनशिप का मैच अर्न कर लिया है। और उसके बाद पोस्ट डाउन सेरेमनी में पहले लैशली के फेस पर ऑस्टिन थ्योरी ने तेल छिड़क दिया, और उसके बाद लैशली ने भी पिछले हफ्ते यही काम किया था ऑस्टिन थ्योरी के साथ। और क्योंकि ये फाइनल वीक है मनी इन द बैंक 2022 के लिए, इसलिए इन दोनों का ब्रॉल भी फैंस को देखने मिल सकता है। तो जैसा आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते इजीकियल उनके बड़े भाई एलायस को मंडे नाइट रॉ में लेकर आ गए थे, लेकिन फिर भी केविन ओवेंस को यकीन नहीं हुआ कि इजीकियल और एलायस अलग अलग आदमी है। और जब केओ बैकस्टेज गए तो उन्होंने बोल दिया कि इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में वो किसी से भी फाइट करेंगे, फिर वो चाहे इजीकियल हो, एलायस हो या उनका एक और छोटा भाई एलरॉड हो। इसलिए WWE ने भी अनाउंस कर दिया है कि केविन ओवेंस का कल के मंडे नाइट रॉ में मैच होने जा रहा है एलायस, इजीकियल या फिर एलरॉड के साथ। और एक जो नया भाई एलरॉड नाम से सामने आया है वो सिर्फ केविन ओवेंस ने बोला था। तो चलिए देखते हैं कि इजीकियल और एलायस उनके छोटे भाई एलरॉड को भी लेकर आते हैं मंडे नाइट रॉ में या नहीं। तो जब लास्ट वीक उमास से मैट रिडल मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच में हार गए थे, उसके बाद सेथ ने आकर रिडल को लात मारकर रिंग से बाहर फेंक दिया और रिडल का मजाक भी उड़ाया। और उसके बाद जब रिडल ने अटैक करने की कोशिश की सेथ पर, तो सेथ ने स्टॉम्प लगा दिया रिडल को, और इसलिए इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में मैट रिडल वर्सेस सेथ रॉलिंग्स फैंस को देखने मिल सकता है। वैसे सेथ रॉलिंस काफी कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस साल का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाले हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि इस साल आप मेंस मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट किस सुपरस्टार को जीतते हुए देखना चाहते हो। तो पिछले साल समर स्लैम में रोमन रेंस से हारने के बाद जॉन सीना अब कल मंडे नाइट रॉ में रिटर्न आ रहे हैं और सीना सेलिब्रेट करेंगे जो उन्होंने WWE में 20 साल कंप्लीट कर लिया है उस एनिवर्सरी को। और हो सकता है कि ऑस्टिन थ्योरी सीना से फेस ऑफ करें, क्योंकि बहुत टाइम से थ्योरी सीना को चैलेंज किए जा रहे हैं, तो कल इन दोनों का भी फेस ऑफ फैंस को देखने मिल सकता है। वैसे जो भी हो, कल सीना के रिटर्न आने से कल करो और भी एक्साइटिंग हो जाएगा। वैसे क्या आप लोग सीना के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, कॉमेंट करके बताएं। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।